जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। क्या अनाउंसमेंट किया गया है, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, कंप्लीट जानकारी हम आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने दोस्तों यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है सभी राशन कार्ड वालों के लिए दोस्तों। यह घोषणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए पाँचों योजनाएँ जो आपको राशन कार्ड पर मिलने वाली हैं और उनसे सीधे सीधे दोस्तों आपको लाखों रुपये का फ़ायदा होने वाला है। तो इन योजनाओं के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी ले लेनी है, जिससे कि दोस्तों इन सभी योजनाओं में से कोई भी योजना आपसे वंचित ना रहे और आप लाभ उठाएं सबसे पहले। दोस्तों एक एक करके हम सभी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई है पीएम किसान सम्मान योजना। देखिए इस योजना में क्या है कि जो किसान भाई हैं उनकी दोस्तों आय को सन 2022 तक यहाँ पे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 2022 तक यहाँ पे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है किसानों की आय को यानी उनकी आमदनी को। और देखिए यहाँ पे 37,000 रुपये का सीधा उनको लाभ दिया जा रहा है उनके खाते में। और क्यों दिया जा रहा है कि दोस्तों खाद बीज विपणन आदि के लिए यहाँ पे ये लाभ दिया जा रहा है। तो यदि आपको अभी तक यह लाभ नहीं मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि दोस्तों हम आपको ये लाभ दिलवा सकें। अपना नाम, अपने राज्य, अपने ज़िले का नाम हमें ज़रूर दें। और दोस्तों यह आवेदन आप कैसे और कहां जाके करोगे यह चीज़ भी हम आपको कंप्लीट बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आपको ये 37,000 रुपये नहीं मिले हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना नाम ज़रूर दें और दोस्तों अपने ज़िले, अपने राज्य का नाम दें। और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमें ये परमिशन दें कि हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको योजनाओं का लाभ मिले सबसे पहले। यदि आपकी दोस्तों केसीसी अभी तक माफ़ नहीं हुए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी केसीसी की जो लिस्ट भेज रहे हैं उसमें भी आपका नाम इंक्लूड कर देंगे। अब देखिए बात करेंगे दोस्तों अगली योजना की। तो यह योजना है दोस्तों अटल पेंशन योजना, जिसमें जो वृद्ध लोग हैं दोस्तों, इन वृद्ध लोगों को जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं उनके लिए यहाँ पे 5,000 रुपये प्रति महीना दोस्तों पेंशन देने का प्रावधान है। और यह योजना लागू कर दी गई है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपको कहाँ आवेदन करना है, क्या आपकी कागजी प्रक्रिया रहेगी, ये भी दोस्तों हम आपको बताएंगे। लेकिन अटल पेंशन योजना में अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना नाम बताएं और दोस्तों अपने ज़िले, अपने राज्य का नाम बताएं। और साथ ही अपनी लिस्ट आगे भिजवाने के लिए वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें। और आपको दोस्तों क्या कागजी प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी, ये भी हम कंप्लीट जानकारी देंगे। अब दोस्तों अगली जो योजना है ये आपकी जननी सुरक्षा योजना। अब देखिए जननी सुरक्षा योजना में क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे देश में जब दोस्तों बच्चे पैदा होते हैं, डिलीवरी होती है, उस समय देखिए सबसे ज़्यादा औरतों की मृत्यु हो जाती है, एक सर्वे किया गया है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जननी सुरक्षा योजना के तहत ताकि दोस्तों उनको उस समय पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे निपटने के लिए यहाँ पे सीधे 6,000 रुपये उनके खाते में देने का प्रावधान है। तो यह आप कैसे आवेदन करोगे, कहाँ जाके करोगे, ये भी हम कंप्लीट जानकारी देंगे। देन दोस्तों अगली योजना है देखिए स्कूटी योजना। यदि आपको अभी तक स्कूटी नहीं मिली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना नाम बताएं, जिससे क्या है कि हम आपको स्कूटी दिलवा सकें। अब देखिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस है स्कूटी के लिए, वह भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो भी लड़कियां दोस्तों पढ़ रही हैं, अपने घर से दूर पढ़ने जा रही हैं, या जो भी यहाँ पे माताएं बहनें अपने घर से ऑफिस में ज़्यादा दूर जा रही हैं, तो उनके लिए यहाँ पे स्कूटी योजना चलाई गई है और काफ़ी लोगों को स्कूटी मिल भी गई है। लेकिन यदि आपको अभी तक नहीं मिली है तो या तो आपने जो हमें कमेंट किया उसमें आपके नाम का कोई वर्ड जो है स्पेलिंग मिस हो गई होगी, और या फिर आपने गलत तरीके से आवेदन कर दिया है। तो आपको यहाँ पे सही तरीके से आवेदन करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम सही तरीके से देना है दोस्तों। अब क्या कंडीशंस हैं उसकी बात करेंगे। देखिए आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी या आपके ऑफिस की डिस्टेंस दोस्तों आपके घर से 5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, तभी आपको स्कूटी मिलेगी। और आपकी जो उम्र है वह 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए स्कूटी लेने के लिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपनी उम्र ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों यह आप CSE सेंटर पर जाके भी आवेदन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वह भी जानकारी हम आपको यहाँ पे देते हैं। और दोस्तों बाकी योजनाएं जो भी हमने बताई हैं उनमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राशन कार्ड है, ठीक है। और राशन कार्ड के साथ साथ देखिए आपको यहाँ पे और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड की यहाँ पे और आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो राशन कार्ड, आधार कार्ड,
यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो आप वोटर कार्ड लगा सकते हो, यदि वोटर कार्ड नहीं है तो आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या अपने ऑफिस का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपके घर और आपके ऑफिस, आपके स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस पता पड़ जाए और आपको दोस्तों योजनाओं का लाभ मिले सबसे पहले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने जितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है दोस्तों उनकी और आपको फोटोकॉपी करा देनी है और अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी जनसेवा केंद्र में जाके आवेदन कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आवेदन करने पर जैसे ही आप अपना आवेदन कंप्लीट करेंगे एक महीने के दोस्तों अंदर अंदर आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा और काफ़ी लोगों को यहाँ पे लाभ मिल चुका है। जिनको लाभ मिल गया है तो ऐसा नहीं है कि उनको लाभ मिल गया है तो अब उनका कुछ फर्ज नहीं बनता दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिससे कि बाकी लोग जो है मोटिवेट हो सकें और योजनाओं का लाभ ले सकें। तो कमेंट बॉक्स में जाके आपको अपना नाम, अपने ज़िले, अपने राज्य का नाम जरूर देना है जिससे कि आपको योजनाओं का लाभ मिले सबसे पहले। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी हमने ये जननी सुरक्षा योजना और ये अटल पेंशन योजना इस टाइप की योजनाएं जो बताई हैं उनके लिए आपका सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए और वह खाता आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से अटैच भी होना चाहिए जिससे कि आपको जो है पैसे सीधे सीधे मिल सके और आपको योजनाओं का लाभ मिल सके सबसे पहले। अब देखिए बात करेंगे अगली बड़ी योजना की जो कि आपकी सबसे बड़ी योजना है। तो दोस्तों वो है योजना है आपकी लैपटॉप योजना। देखिए लैपटॉप जो दिए जा रहे हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जो कि अच्छे मार्क्स के साथ में यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे लैपटॉप देने का प्रावधान है। तो इसकी पूरी कंडीशंस, पूरी प्रक्रिया, कहाँ पे आपको आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, कंप्लीट जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने जो भी लास्ट में जो क्लास, जो कक्षा आपने उत्तीर्ण की है उसमें आपकी परसेंटेज क्या है ये हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों यह लैपटॉप योजना जो है ऐसा नहीं है कि जैसे कि अखिलेश यादव ने चलाई थी योजना कि मान लीजिए इस बार जो भी आपके 10th और 12th पास किए उनके लिए दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि केंद्र में दोस्तों सत्ता चला रहे हैं, पूरे देश की सत्ता इनके हाथों में है, तो इन्होंने सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को ध्यान में रखकर दोस्तों यह योजना चलाई है जिससे कि सभी लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए यहाँ पे 8वीं से स्टार्ट होकर दोस्तों यह योजना 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी क्लासों को इसमें देखिए इंक्लूड कर दिया गया है जिससे कि सभी लोगों को यहाँ फ़ायदा मिल सके। लेकिन कंडीशन यही है कि आप दोस्तों अच्छे मार्क के साथ में यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हों। तो बेशक आप मान लीजिए सेकंड क्लास हैं, फर्स्ट क्लास हैं, जो भी आपकी परसेंटेज है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं है कि 80% और 70% वालों को भी यहाँ पे लैपटॉप मिलेगा सिर्फ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यदि आप सेकंड क्लास हैं तो भी यहाँ पे आप आवेदन करिए, आपको लैपटॉप मिलेगा दोस्तों। यह चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जो कैंडिडेट सेकंड क्लास पास हुए हैं उनको भी यहाँ पे लैपटॉप मिल चुका है काफ़ी लोगों को। तो देखिए यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर दें हमें और आपने कौन सी क्लास लास्ट में अच्छे मार्क के साथ में दोस्तों उत्तीर्ण की है वह परसेंटेज भी हमें ज़रूर बताएं। सिर्फ इतनी सी चीज़, अपना नाम और अपनी परसेंटेज, ठीक है। इतना देने के बाद दोस्तों यदि आपको योजना पसंद है और आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें, हमें ये दोस्तों अधिकार मिल सके कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा दें और यह लैपटॉप आपको मिल सके सबसे पहले। अब देखिए डिजिटल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी डिजिटल भारत को डिजिटल बनाने पर दोस्तों अपना काम कर रहे हैं तो उसी चीज़ को इन्होंने ध्यान में रखा है, लैपटॉप योजना जो है स्टार्ट की है। अब देखिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाके इसका आवेदन कैसे करेंगे वह भी कंप्लीट प्रोसेस हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखो दोस्तों सीएससी सेंटर पर आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे पहले देखिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद में देखिए आपके फैमिली का जो राशन कार्ड होता है वह राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और देखिए उसके बाद आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी पहचान पत्र, मान लीजिए वोटर कार्ड हो या आपके स्कूल कॉलेज का दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड हो, वह यहाँ पे सबमिट कर दें। अब देखिए उसके बाद में आपको एक आय प्रमाण पत्र और बनवा लेना है, मात्र 80 से 100 रुपये में आप अपनी लॉयर अपने तहसील से बनवा सकते हो। तो दोस्तों यह सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद में आपने जो भी क्लास लास्ट में जो उत्तीर्ण की है उसका दोस्तों एक फोटोकॉपी और करा देना है, उसकी मार्कशीट जो होती है उसका देखिए आपको फोटोकॉपी करा के आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाना है दोस्तों और वहाँ पे सीएससी सेंटर पे जाके आवेदन कर देना लैपटॉप योजना के लिए जिससे कि दोस्तों आपको लैपटॉप मिल सके और आप भविष्य में आगे बढ़ सकें, डिजिटल इंडिया जो किया जा रहा है दोस्तों उसमें आप अपना योगदान दे सकें। तो देखिए यहाँ पे ज़रूर आप आवेदन करिएगा, सीएससी सेंटर पे बता दें, यह आवेदन बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है।
तो आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आवेदन करिए और लैपटॉप योजना का लाभ उठाइए। दोस्तों बाकी सारी जो योजनाएं हैं यह बिल्कुल भी फ्री आवेदन है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें ज़रूर बताएं, अपने राज्य अपने ज़िले का नाम बताएं। दोस्तों जैसा कि हमने अलग अलग बताया है पूरा सारा कुछ, स्कूटी योजना के लिए अपने स्कूल कॉलेज का नाम और लैपटॉप योजना के लिए आपकी जो लास्ट में जो कक्षा आपने उत्तीर्ण किया उसका नाम दें। बता दें यह बिल्कुल भी फ्री है, हमारे चैनल पे कोई भी आपके लिए कॉस्ट नहीं लगता है किसी भी काम के लिए। जैसे कि दोस्तों वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना यह बिल्कुल भी फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, जरूर करिएगा। और नीचे दोस्तों एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी सभी अपडेट सभी जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।